Hold up. So hello, hi everyone. This is Prem Pandey. Welcome to your favorite YouTube channel, Educational Hacks. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने रिलीज किया फॉर क्लास 10th इंग्लिश का, उसका एक ऑनेस्ट एनालिसिस, ऑनेस्ट रिव्यू, और हम रेटिंग भी देंगे इस क्वेश्चन पेपर को कि ये पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर हार्ड है, मॉडरेट है या इजी है. एक्चुअली हम इस क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन को रेट करेंगे कि ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन मॉडरेट है, कि ये क्वेश्चन हार्ड है. लेट मी टेल यू कि ऑलरेडी मैंने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सेल्फ डिजाइंड है वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड की रिलीज करने से पहले रिलीज कर दिया है, एंड एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पेपर, सेम डिफिकल्टी लेवल जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें है. तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है यार, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक है, क्लिक करके आप वहां से देख सकते हो. अब हम आते हैं इस वीडियो पे. सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई क्यों रिलीज करती है, पहले आप ये जान लो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो. तो भाई साहब, सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको ये बताती है कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा होगा, जो आपको ऑलरेडी पता है, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पेपर का पैटर्न पता चल भी गया आपको तो. दूसरी चीज आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर बताती है कि आपका डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा. दैट मींस कि जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे वो हम इन सैंपल पेपर के इर्द गिर्द ही घूमेगा. मतलब जितने हार्ड इसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे. तो सैंपल पेपर का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि हमें डिफिकल्टी लेवल पता चल जाता है यार, कि हमारा जो पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो कितना डिफिकल्ट होने वाला है, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन अपनी आगे प्रोसीड कर सको. तो स्टार्ट करेंगे हम इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को, और 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, ऑनेस्ट रिव्यू होगा. इस पूरी वीडियो को देखना ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कौन से सेक्शन में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. तो स्टार्ट करेंगे हम. सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है. रेशनलाइज सिलेबस यहां पर इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई साहब, ये रिड्यूस्ड सिलेबस जो आपने देखा था जुलाई अगस्त में 30% रिड्यूस हुआ था, उसको काट कर सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया गया है. जो बचा हुआ 70% सिलेबस है हमारा, उसी में से ये सैंपल क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है, और कुछ ऐसा ही आपका बोर्ड में भी देखने को मिलेगा. हाँ, टाइम में कई प्रॉब्लम्स थी, और काफी यूट्यूबर्स ने ये भी वीडियो बना डाले कि भैया टाइमिंग कम हो जाएगी, अब 1.5 घंटे का पेपर होगा, अब 2.5 घंटे का पेपर होगा. तो मैंने पहले भी बताया था और अब भी बताया था कि बोर्ड्स अपने रूल्स चेंज नहीं करते हैं, एंड एज यूजुअल आपको 3 घंटे का ही पेपर देखने को मिलेगा. मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 होगा, 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा. जनरल इंस्ट्रक्शंस यहां पर कुछ दिए हैं, आप जनरल इंस्ट्रक्शन को बिना पढ़े क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ना करिए. दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. हम जानते हैं इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है सीबीएसई ने, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए विल कंटेन ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड पार्ट बी विल कंटेन ऑल द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. ओके, हाँ, यहाँ पर इसने एक और इंस्ट्रक्शन दिया है कि डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट. आपको वर्ड लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर गलत होता है तो आप उसके जिम्मेदार होंगे और नंबर भी आप ही का कटेगा. तो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट ए, जो कि 40 मार्क्स कंटेन करता है. ये क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो, दैट मींस कि अनसीन पैसेज है. अनसीन पैसेज हमारा 20 मार्क्स का आता है. 2 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, एक 10 मार्क्स, दूसरा भी 10 मार्क्स. तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपका वोकैब से होगा. आपसे इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अनसीन पैसेज का जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले ये जान लो. पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि वोकैब से पूछा जा सके, मतलब आपसे इस पूरे पैसेज की एंटोनिम, सेनोनिम्स या कोई फ्रेज है उसकी मीनिंग, कुछ ऐसी चीजें पूछी जा सकती है. दूसरा, आपसे इन्फ्रेंसियल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इन्फ्रेंसियल क्वेश्चन का मतलब आपको इस पर्टिकुलर एक लाइन दे देगा, और इस लाइन से आप क्या मतलब निकाल पा रहे हो, या इस लाइन से स्पीकर का मूड कैसा है, इन सारी चीजों पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पैसेज नंबर 1 के क्वेश्चन पर मूव करते हैं. हाँ, एनी 10 आपको करना है, 12 क्वेश्चंस होंगे, करना आपको केवल 10 ही है. इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, और शुरुआत के मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. मैं जल्द ही उसका आंसर शीट आपके लिए रिलीज करूंगा, सॉल्व्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर. ये जो पूरा सैंपल पेपर आप देख रहे हो ना, इसको मैंने सॉल्व किया है और आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा. आज शाम तक या सुबह तक वीडियो अपलोड हो जाएगी.
फॉर दैट यू कैन कंटिन्यू विथ आवर चैनल। हाँ तो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 मैंने सॉल्व किया, और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे जो पहले क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल लगा ना, बहुत हार्ड लगा। मतलब इसने ना लेवल थोड़ा हाई कर दिया है अपना। हमने अभी तक पिछले कई सालों से इतने हार्ड अनसीन पैसेज नहीं देखे भाई साहब। जितने जब हमारा होम बोर्ड था, जब हम टेंथ में थे, तभी आते थे अनसीन पैसेजेस, लेकिन इतने हार्ड नहीं आते थे। एंड पिछले साल है 2018 की बात करूं, 2017 की बात करूं, तो इससे ज्यादा हार्ड अनसीन पैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपका ये सोचना है कि आपने क्लास 8, 9 में अनसीन पैसेज तो सॉल्व ही किया है, टेंथ में क्या करने की जरूरत है, तो भाई यू आर रॉन्ग। You can't rely on just the practice session for class 8th and 9th. आपको अलग से class 10th के जो unseen passages हैं, उनकी practice करनी पड़ेगी, वरना ये 10 number भूल जाओ, क्योंकि इसकी difficulty level काफी hard है। मुझे 10 से 15 minute लग गए इन questions को करने में। 400 से 450 वर्ड का ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकेंगे। ठीक है, आप इसका पीडीएफ मैं नीचे दे दूंगा, या आपने तो डाउनलोड ही कर लिया होगा, देख लेना। हाँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 300 से 350 वर्ड का होगा, और इस क्वेश्चन में आपका जो दूसरा सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या होगा, कोई चार्ट दे सकता है, या कोई डेटा दे सकता है, या कोई पिक्चर दे सकता है, एंड उसी पिक्चर के बेस पर, उसी डेटा के बेस पर, ये जो पूरा पैसेज है ना, ये एनालिटिकल पैसेज है। एनालिटिकल पैसेज का मतलब क्या होता है, आपको यहां पर चीजें एनालाइज करनी है। जैसे देखो, यहां पर दिख रहा है द यूएन्स 2017 इंटरनेशनल ईयर, तो 2017 ईयर को याद रखो। यहां पर 2013 ईयर दिया है, तो 2030 में क्या हुआ था, ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। एनालिटिकल का मतलब समझ रहे हो ना, आपको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, 2030 में क्या हुआ था, 2017 में क्या हुआ था। यहां पर 57% दिया है, तो ये किस लिए है, इसी को कहते हैं एनालाइज करना, और इसी बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। तो हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा हार्ड लगा मुझे यार, दोनों पैसेज, चाहे पैसेज नंबर 1 की बात करूं, चाहे पैसेज नंबर 2 की बात करूं, 2 की बात करूं, दोनों ही थोड़ा सा लेवल इनका हाई है, हार्ड है। एंड आप खुद से करो और फिर देखो कि आप कितने क्वेश्चंस इसमें से कर पाते हो। नाउ इसमें से ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। आप ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इनसे ज्यादा घबराइएगा मत आप, बाकी अनसीन पैसेजेस की तरह ही है, बट थोड़ा सा लेवल हाई है, ठीक है। इनको हमने सॉल्व किया है, और जरूरी नहीं है आपको कि यार अनसीन पैसेज करने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, या बहुत सारी चीजों की कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत पड़े। आपको बस एक छोटी सी कॉमन सेंस की जरूरत है, कॉमन सेंस है, तो आप आराम से ये टिक द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि इस पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है। तो भाई साहब, इस क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लिटरेचर से है। हम जानते हैं कि इस बार का जो पेपर पैटर्न है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो लिटरेचर से होगा, और लिटरेचर का जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पोर्शन होगा वो किससे होगा, वो हमारा प्रोज से होगा, और जो बी वाला पोर्शन होगा वो हमारा पोएट्री से होगा। जैसे इसमें दिया है इसने, लुक, ये जो पहला क्वेश्चन है आप देख ही पा रहे हो, ये कौन से चैप्टर का है, आई थिंक वल्ली वाले चैप्टर का है, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज इन्होंने दिया है, और इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने। लगभग एनी वन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं यार, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें लिटरेचर से आपके प्रोज या ड्रामा सेक्शन से एक पैसेज आएगा, और दो पैसेज दिए रहेंगे, करना आपको कितना होगा, एक ही करना होगा, ठीक है। चलो, तो इनके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इनके क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी दिया गया है आपके लिए, टिक द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी टिक द करेक्ट है, 3 टिक द करेक्ट है, 4 टिक द करेक्ट है, 5th भी टिक द करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो डिफिकल्टी लेवल मुझे लगा कि ये जो सेक्शन है ये थोड़ा मॉडरेट है। अगर आपकी जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है, अगर आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और इसी के लिए मैं आपको यार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ाता हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इन्हें आप आसानी से
कर ले जाओगे। नाउ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बी वाला पोर्शन है, बी वाला पोर्शन का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो पैसेजेस होंगे, करना एक होगा। ठीक है, चलो तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो फिगर विगर दिख रहे हैं आपको, इन सारी चीजों को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक ही पैसेज करना है। ओके चलो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पैसेजेस हैं आपके लिए और आपको करना एक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये वाला जो सेक्शन है हमारा पोएट्री से पूछा जाएगा। पोएट्री हमारे फर्स्ट स्लाइड बुक या फुटप्रिंट बुक के किसी भी पोयम से कुछ लाइंस उठा ली जाएंगी एंड उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये वाला जो है, ये द लाइन इन द जू, द लाइन इन द जू वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, जो पोयम नंबर 2 या 3 है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है एंड काफी इजी क्वेश्चंस हैं, आप कर ले जाओगे। हाँ, एक राइमिंग स्कीम के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं यार यहाँ पर। तो अगर आपको ये नहीं पता कि राइमिंग स्कीम निकालते कैसे हैं, तो मैंने जो अपना नेक्स्ट, मैं अपना ये जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इस सैंपल पेपर को जो मैंने सॉल्व किया है, तो मैंने वहां पर बताया है कि आप कैसे राइमिंग स्कीम निकाल सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर देखना यार। ठीक है, तो आपसे राइमिंग क्वेश्चन जैसे राइमिंग स्कीम वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और बाकी सारी चीजें तो मुझे इजी लगी। मतलब लिटरेचर पोर्शन जो है, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है लिटरेचर का, वो थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब इजी भी नहीं कह सकते हो, मॉडरेट ही है। ठीक है, चलो तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रामर से। चलो तो ग्रामर में, आपके पूरे ग्रामर पोर्शन में इन्होंने 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का। इससे हो गए हमारे टोटल 10 मार्क्स। तो ग्रामर के कितने मार्क्स आने वाले हैं? केवल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे ग्रामर में। और वही हमारे जो कॉमन ग्रामर के टॉपिक्स हैं, मोडाल्स, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, टेंसेस, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सारी चीजों से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपके इन सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो आपके पूरे 10 के 10 नंबर आपके हैं। चलो ये देखो, यहाँ पर कन्वर्सेशन दिया है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्या करना है आपको, बस ऑप्शन ऑप्शन यहां पर, जैसे ये पहला वाला दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो आई और डूइंग के बीच में क्या फिलअप होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, वो आपको लिखना है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, मतलब आप अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पढ़े हो तो आप इसको आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, करना कोई 4 है और 4 नंबर का ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये चारों क्वेश्चंस आपसे कहां से पूछे गए हैं? आर्टिकल से, डिटरमिनर से, टेंसेस से और कहां से? मोडाल्स से। ठीक है, चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी हमारा राइटिंग सेक्शन है एंड ऑलरेडी मैंने मार्किंग स्कीम ये सारी चीजें बता दी हैं, तो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है इसका। चलो तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, मतलब सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, वो आपसे लेटर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लेटर्स कहां से पूछे जाएंगे? जैसे आप देख रहे हो, ये जो सेक्शन ए वाला है ये आपका कंप्लेन लेटर है, और जो ये सेक्शन बी वाला है ये आपका प्लेसिंग ऑर्डर लेटर है। और इन दोनों के फॉर्मेट आपको पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, वहां से जाके देख लेना। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाँ, इसकी डिफिकल्टी लेवल काफी मॉडरेट है। जैसे पहले आते थे प्लेसिंग ऑर्डर लेटर और ये आपका कंप्लेन लेटर, सेम वैसा ही है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको क्या करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे यहाँ पर एक फिगर दिया है, एक यहाँ पर बार ग्राफ दिया है, और इस बार ग्राफ को आपको एनालाइज करना है, आपको समझना है कि यहां पर कितनी इंफॉर्मेशन दी गई है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपको वर्ड्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिख देना है। तो ये भी काफी इजी ही है, तो इसके लिए काफी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। नाउ लिटरेचर पोर्शन पे आते हैं। लिटरेचर पोर्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और आपको केवल और केवल कितने करने हैं? एनी टू। दिया कितना है? 3। करने कितने हैं? एनी टू। ठीक है, और सेम ऐसे ही हमारा बी वाला पोर्शन है। बी वाले में भी आपका 3 दिया है, करना कितना है? केवल 2 करना है। हाँ, एक डिफरेंस ये है, जो ऊपर की ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये हमारी द फर्स्ट स्लाइड बुक से है, और ये जो नीचे की 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको फुटप्रिंट्स बुक से है। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 2 नंबर के हैं। चलो आगे हम चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11
थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनके आंसर्स हम 40 या 50 वर्ड्स में करते हैं, और इसमें भी एज यूजुअल क्या है कि दो क्वेश्चंस आपको करने हैं द फर्स्ट फ्लाइट बुक से और दो क्वेश्चन आपको करने हैं फुटप्रिंट्स बुक से। जैसे देखो आपको ए वाला दिख रहा है वो फर्स्ट फ्लाइट बुक से है और ये बी वाला दिख रहा है वो फुटप्रिंट बुक से है। नाउ अब हम यहां पर आएंगे, ये हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपका एक आपसे पूछेगा फर्स्ट फ्लाइट बुक से और एक आपसे पूछेगा फुटप्रिंट्स बुक से। तो ये कुछ रहा हमारा पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसको मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं यार इसको, और अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है जो इसके पहले रिलीज किए थे तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, वहां से जाके देख सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस पूरे सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपके पास ले आएंगे। तब तक मजे करिए, ऐस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद।